हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, मैं हूं आपका होस्टिंग दोस्त हर्षानी। तो मुझे जो इतने सारे DMs आ रहे थे, मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई जो रॉयल इनफील्ड BS6 बुलेट X350ES जो मैं ओन करता हूं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि कैसा इसका रिस्पांस है, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, एग्जॉस्ट साउंड कैसा है, क्या कम हो गया है या फिर बढ़ गया है। आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है। पर्सनली ये बाइक मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। तो गाइस आप देख सकते हो ये रही रॉयल इनफील्ड बुलेट X350ES BS6 वेरिएंट। BS6 कैसे आप पहचान सकते हो, कैटलिक कन्वर्टर देख के। कोई भी बोले भाई BS4 है BS6 है, कैटलिक कन्वर्टर देख लेना। अगर कैटलिक कन्वर्टर प्रेजेंट है तो इट मींस ये BS6 मॉडल है, वरना ये BS4 या उससे छोटा मॉडल है। तो गाइस बात करें इस बाइक के इंजन के बारे में, तो वही 346 cc 19.8 BHP 28 Nm ऑफ टॉर्क के साथ में ही आती है बाइक। ये तो हो गई इंजन की बात। बात करें चेंजेस की या मॉडिफिकेशंस जो जो नया रॉयल इनफील्ड ने कराया है। तो गाइस जैसा कि आप जानते हो, 1 अप्रैल 2020 के बाद में गवर्नमेंट ने BS6 नॉर्म्स लगा दिए। कोई भी कंपनी BS6 ही बनाएगी, उससे BS4 या BS3 प्रोडक्शन बंद हो चुकी है। तो वैसे में जो सबसे बड़ा मेजर चेंज लाया गया है दैट इज़ EFI, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। EFI क्या है, कार्बोरेटर क्या है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। EFI लगाने के कारण में यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर दे दिया है, ऑब्वियसली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सो वन एंड द फर्स्ट मेजर चेंजेस बाइक के अंदर EFI इंजन दे दिया है। सेकंड एक छोटा सा चेंज जो मैंने नोटिस करा है, यहाँ पे जो साइलेंसर की कैप है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अ मेजर सा छोटा सा चेंज। साथ ही साथ यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर देखा जा रहा है जो कि रात को रिफ्लेक्ट करता है ऑब्वियसली। और एक और छोटा सा जो चेंज देखा जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, जब भी आप अपनी बाइक को स्टैंड पे डालेंगे, साइड स्टैंड पे एंड गियर डालेंगे, बाइक ऑटोमेटिकली आपकी ऑफ हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। एंड मुझे KTM में दिखता था, मैं कहता रॉयल इनफील्ड में कब आएगा। BS4 में तो आया नहीं बट BS6 में ज़रूर आ गया। तो काफ़ी अच्छा है, ये छोटा सा फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कई बार हम बाइक चला रहे होते हैं, हमें पता नहीं लगता बाइक पर स्टैंड लगा हुआ है, हमारी बाइक चलती रहती है एंड एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये चीज़ से ऐसी इसकी प्रिवेंशन होगी। तो ये भी एक छोटा सा चेंज देखा जा रहा है। साथ ही साथ रॉयल इनफील्ड के टायर्स वही हैं जो कि पहले BS4 में दिए जा रहे थे, जो कि पतले हैं, छोटे हैं। साइज़ जो है इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। फ्रंट टायर भी वही है, रियर टायर भी वही है। यही थी रॉयल इनफील्ड BS6 बुलेट X350ES जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड मुझसे कोई पूछता था मैं उसे हाईली रिकमेंड यही मॉडल करता हूँ। तो गाइस बात करें बाइक के क्लस्टर मीटर की, तो वो ही नॉर्मल स्पीडोमीटर दिया गया है। साथ ही साथ में फ्यूल इंडिकेटर एंड ABS का साइन दिया गया है। साथ ही साथ बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS जो कि फ्रंट व्हील में है एंड बैक में ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। सो गाइस ये तो हो गए बाइक के अंदर जो कि मेजर चेंजेस देखे जा रहे हैं। अब बात करूँ उसकी ऑन रोड प्राइसिंग की, तो ऑन रोड प्राइसिंग दिल्ली के अंदर अराउंड 1,56,900 जा रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1,57,000 रुपीज़ ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग इसकी कही जा रही है, जो कि मैंने जब ली थी 1,46,000 की ली थी, यानी कि BS4 मॉडल। तो BS4 एंड BS6 के अंदर टोटल 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस आया है। BS6 10,000 रुपये महंगी हुई है जस्ट बिकॉज उसके अंदर EFI इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया है। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हो बजट कम है, क्लासिक लेने का मन है एंड क्लासिक के लिए मतलब इतना बजट नहीं है, तो मैं सिंपली कहूँगा कि भाई बुलेट X350ES जाओ, आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको। EFI इंजन के अंदर भी रॉयल इनफील्ड के ऐसा कोई मेजर इशू नहीं देखा जा रहा है। अगर देखा जा रहा होता तो मैं आपको अपडेट कर देता, मुझे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखी है। तो अब तो BS4 आप वैसे भी नहीं ले पाओगे, BS6 ही मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो बाइक, तो मैं आया हूँ भी नारायणा में सेंटर मोटरसाइकिल्स। डिटेल्स जो है यहाँ कहीं पे स्क्रीन पे आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दे रखी है। तो आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो शोरूम को एंड अगर बुक कराना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अभी बाइक यहाँ पे अवेलेबल है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मे बी मैं पहला ही हूँ जिसने ऐसे रिव्यू करा है बाइक को। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
टिल देन दिस इज द होस्ट एंड दोस्त हर्ष सानी, बाय बाय। सो गाइस बात करूँ जाने से पहले रॉयल इनफील्ड BS4 मॉडल की, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं अभी रोड के पास खड़ा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे BS6 में कैटलिक कन्वर्टर दे रखा है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। साथ ही साथ बाइक में EFI दे रखा है, इसके अंदर कार्बोरेटर है एंड एवरीथिंग सेम। साइलेंसर की कैप BS6 की थोड़ी सी बड़ी है एंड सामने यहाँ पे BS6 के अंदर रिफ्लेक्टर्स देखे गए हैं। यहाँ पे ABS की स्टिकरिंग है, अगर रिफ्लेक्टर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यही है छोटे एंड मोटे से चेंजेस जो कि BS4 वर्सेस BS6 में देखे गए हैं। एंड जाने से पहले मैंने कहा मेरी भी खड़ी है तो मैं दोनों में आपको जल्दी से कंपैरिजन कर दूं, क्योंकि अलग वीडियो बना के दिखाने का कोई तुक नहीं बनता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।